ओके बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर कभी कभार जरूरत पड़ जाती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर कि हमें अगर 3 टेबल से भी ज्यादा टेबल से डेटा फेच करना पड़ जाए इनर ज्वाइन से, तो हम क्या करेंगे। तो अब यहां पे देख सकते हैं, हमने दराज के नाम से डेटाबेस बनाया था, उसके अंदर हमारे पास अभी जो टेबल है वो 4 है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कैटेगरी, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स की टेबल से डेटा उठाया था, सही है। अगर आपको इन फ्यूचर कस्टमर्स की टेबल से भी डेटा फेच करना हो तो किस तरह से करेंगे, यानी 4 टेबल से डेटा फेच करना हो, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहां पे आके हम चले ज्वाइन में फिर से लिख देता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सिलेक्ट कैटेगरी टेबल। कैटेगरी टेबल से क्या उठाना है, कैटेगरी का नाम। फिर प्रोडक्ट्स की टेबल से क्या उठाना है, प्रोडक्ट का नाम। फिर प्रोडक्ट्स की टेबल से अगेन हमें उठानी है प्रोडक्ट्स की प्राइस। ये हो गई दो टेबल। इन 2 टेबल से डेटा पहले फेच कर लेते हैं। फ्रॉम पहले हमें देनी है प्रोडक्ट्स टेबल, फिर हमें क्या देना है इनर ज्वाइन, किसके साथ होगा, कैटेगरी टेबल के साथ। ऑन कंडीशन क्या लगाएंगे कि प्रोडक्ट्स की टेबल से अगर कैटेगरी आईडी किसके बराबर है बेटा, कैटेगरी की टेबल के केट आईडी से, तो वो डेटा हमें फेच करके दिखा दे। यानी ये 2 टेबल से डेटा फेच करने के लिए इन्हें ज्वाइन हम यूज करते हैं। कौन सा क्लियर है, एक टेबल से एक कॉलम आ रहा है, कैटेगरी की टेबल से कैटेगरी का नाम, और दूसरी टेबल से 2 कॉलम आ रहा है, प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है और प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट की प्राइस भी आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम जो दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करता है। कैटेगरी आईडी यहां पे भी है, कैटेगरी आईडी यहां पे भी है, सही। अब हमें अप्लाई करना है तीसरी टेबल पे सेम इनर ज्वाइन। तो प्रोडक्ट्स की टेबल में कौन सी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, और ऑर्डर्स की टेबल में भी क्या है, प्रोडक्ट आईडी। तो मैं यहां आता हूं और यहां पे आके अगेन इसको क्या लगा देते हैं जी, इनर ज्वाइन। अब आपको सिर्फ लिखना है ऑर्डर्स टेबल, सही हो गया। फिर से लिखेंगे ऑन और फिर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की टेबल से जो प्रोडक्ट आईडी है अगर बराबर है ऑर्डर्स की टेबल की प्रोडक्ट आईडी के, तो हमें वो प्रोडक्ट्स भी उठा दो जो ऑर्डर हुई हैं, और वो कैटेगरीज भी उठा दो जो कैटेगरीज में है, और प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए। कौन सा क्लियर है, लेकिन अभी तक हमने ऑर्डर्स की टेबल से क्या उठाना है वो बताया नहीं है। सेलेक्ट के अंदर आपको बताना है कि ऑर्डर्स की टेबल से आप कौन सा डेटा देखना चाहते हैं। तो मैं ऑर्डर्स की टेबल से ऑर्डर की आईडी देखना चाहता हूं, और ऑर्डर्स की टेबल से ऑर्डर की डेट देखना चाहता हूं। सेलेक्ट करते हैं और यहां पे आके एग्जीक्यूट कर देते हैं। कौन सा क्लियर हो गया, तो हमें यह भी पता चल रहा है कि ऑर्डर्स की टेबल से हमारा कौन सा ऑर्डर है और कौन सी डेट पे किया गया। अब हमें चौथी टेबल से डेटा उठाना, कौन सी टेबल से, चौथी टेबल। चौथी टेबल कौन सी बेटा, कस्टमर्स, कि ये ऑर्डर जो किया कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर किया और किस कस्टमर ने किया। आंसर क्लियर, अभी तो हमें सिर्फ ये मालूम हो रहा है कि कौन सी कैटेगरी से कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर हुई है और किस डेट को हुई है। आंसर क्लियर, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं किस कस्टमर ने वो ऑर्डर की है, कौन सी प्रोडक्ट और किस कैटेगरी से। आंसर क्लियर है, तो हमें चौथी टेबल को भी मेंशन करना पड़ेगा। अब चौथी टेबल है हमारी कस्टमर की, तो कस्टमर की टेबल से कस्टमर का नाम, कस्टमर की एज और कस्टमर का सिटी, तीनों उठा सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ अभी के लिए कस्टमर्स की टेबल से क्या उठाऊंगा, सिर्फ कस्टमर्स का नाम। तो कस्टमर्स की टेबल से सिर्फ कस्टमर का नाम बता दो, इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो आप बाकी चीजें भी उठा सकते हैं, राइट। अगेन मुझे क्या लगाना है, इनर ज्वाइन, और यहां भी क्या लिखना है, सिर्फ कस्टमर्स। आंसर क्लियर, कस्टमर्स इस तरह से स्पेलिंग। फिर हमें क्या लगाना है, ऑन कंडीशन। अब कस्टमर्स की टेबल और ऑर्डर्स की टेबल में एक चीज कॉमन है, कस्टमर आईडी कस्टमर्स की टेबल से, और ऑर्डर्स की टेबल में भी क्या पड़ा है,
कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम है ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी बेसिस पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हम बताएंगे कि ऑर्डर्स की टेबल में जो कस्टमर आईडी है अगर बराबर है कस्टमर्स की टेबल के कस्टमर आईडी से तो वही डेटा उठाना। तो यहां आते हैं और सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए अब समझ में आ रहा है कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट, क्या प्राइस है, कौन सी ऑर्डर आईडी है, किस डेट पे ऑर्डर हुआ और किस बंदे ने ऑर्डर किया। कौन सा क्लियर हो गया? इनको रीअरेंज कर सकते हो अपने मर्जी से। सपोज ऑर्डर आईडी आपको सबसे पहले देखनी है, क्या करो यहां से इसको काट के कहां रख दो, यहां रख दो। कैटेगरी लास्ट में देखनी है, लास्ट में रख दो, हु केयर्स अबाउट दैट। अब श्योर है ऑर्डर आईडी ये है, किस कैटेगरी से आपकी बिलोंग करती है वो प्रोडक्ट, वो भी आ रहा है। प्रोडक्ट का नाम क्या है ये है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है ये है, ऑर्डर डेट क्या है ये है, कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया था इसने, कौन सा क्लियर। लेकिन इन फ्यूचर इसी पे मैं कंडीशन लगा कि कोई कहे कि भाई मुझे सिर्फ उस कस्टमर का डेटा देखना है, उस कस्टमर के ऑर्डर देखने हैं जिसका नाम ये है, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एंड। एंड लगाया और मैं इसको बताऊंगा कस्टमर्स की टेबल से कस्टमर का नाम अगर इक्वल है किसके, सपोज जेड के, कि जेड ने कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी से कब ऑर्डर की, मुझे सिर्फ ये देखना है, तो मैं यहां पे आके एग्जीक्यूट करता हूं, तो सिर्फ जेड ने जो ऑर्डर किए वही है। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं दो बंदों ने कौन कौन से ऑर्डर किए तो आप वो भी देख सकते हैं बाय यूजिंग इन ऑपरेटर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंड कस्टमर नेम और इक्वल को बताएंगे, क्या लगाएंगे, इन ब्रैकेट स्टार्ट, कि मुझे सिर्फ वो ऑर्डर देखने हैं जो जेड और खलाद ने किए हैं। आंसर क्लियर? सिलेक्ट दिस होल, एग्जीक्यूट। श्योर है दोनों? आंसर क्लियर हो गया? ठीक है, आप ऑर्डर पे भी लगा सकते हैं, यहां पे आके आपने कहा ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय कस्टमर्स की टेबल से जो कस्टमर के नाम है उनके हिसाब से ऑर्डर बाय भी करोगे, सही है बेटा। तो ये अब देखें जेड ऊपर आ रहा था, अब अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो खलाद ऊपर से शुरू, कौन सा क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सबको? तो ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, ग्रुप बाय लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वन बाय वन आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना क्यूरी लंबी करोगे करते जाओगे अकॉर्डिंग टू, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती यू कैन परफॉर्म इट। उसके बाद हमें अगर अप्लाई करना है क्या लाइक ऑपरेटर, तो वो लाइक भी आप अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर नेम लाइक, कस्टमर नेम लाइक में कह देता हूं इसको कि जो नाम सही है यू से पहले आता है वो फेच कर दो, परसेंटेज बाद में दी, इसका मकसद जो नाम यू से शुरू होते हैं वो हमारे पास फेच कर दो। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के समले ऑर्डर और ये सारी चीजें उठाएगा जिनका नाम यू से शुरू होता है, यू से कोई बंदा है ही नहीं। आंसर क्लियर? अब अगर मैं यहां पे आता हूं और लिखता हूं कोई ऐसा बंदा जो एच से ऑर्डर किया हो जिसका नाम एच से शुरू होता है, तो यहां पे आके कहते हैं एग्जीक्यूट। तो देखें एच से दो है, हानी और हसन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, इस तरह से अगर आप कोई और वैल्यू देना चाहते हैं तो आप मल्टीपल टाइम भी दे सकते हैं। तो आप चार टेबल के अंदर से भी डेटा अपने मर्जी का उठा सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।